तो इफिशियों के पत्री में से पहले अध्याय के पहले वचन में हमने पहली बार सीखा, पहले और दूसरे वचन में, पिछले संडे हमने सीखा तीसरे वचन में, और आज इस संडे को हम लोग सीखने वाले चौथे वचन पे। हालेलुया, एक एक संडे एक एक वचन हम लोग ले रहे हैं, आमेन। और इफिशियों की किताब खत्म होते होते हम लोग मसीह के योद्धा बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान और इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से, बीमारियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि हम मसीह में कौन है और मसीह जो मुझ में है वो कौन है। हालेलुया, एक दूसरे को देख के बोलो, हम लोग साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम लोग अलौकिक लोग हैं, हम लोग साधारण लोगों के जैसे नहीं हैं, हम लोग अलग हैं। आमेन। तो आशीष जो है उसका मतलब होता है बोलना। आशीष जब आप किसी को देते हो तो आप बोल कर देते हो, या अपने जीवन में अगर आप आशीष को अनुभव करना चाहते हो तो आपको अपने मुंह को खोलना होगा और परमेश्वर के वचन को आपके ऊपर बोलना होगा, तो आप उस सारी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करोगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि तीन लोग जो हैं कलीसिया, पहले हमने पहला पॉइंट देखा कि कलीसिया का क्या हुआ, निर्माण हुआ, क्रिएशन ऑफ द चर्च। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि कलीसिया को निर्माण किया गया। जो लोग पिछली बार नहीं थे उन लोग ध्यान दो ताकि आपको इस बार कंटिन्यूएशन में समझ में आए, तो ये रिकैप चल रहा है। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने, तीन लोगों ने मिलकर कलीसिया का निर्माण किया, चर्च का निर्माण किया, और वो तीन कौन थे, सबसे पहला पिता परमेश्वर, दूसरा पिता पुत्र, और तीसरा नहीं परमेश्वर पुत्र, और तीसरा परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया, इन तीनों ने मिलकर कलीसिया का निर्माण किया। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने हम सबको, हमारे लिए योजना बनाई। उसमें सबसे, उसमें तीन पॉइंट है जिसमें से आज दो हम देखेंगे, लेकिन पहला पॉइंट हमने जो देखा था वो ये था कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, परमेश्वर ने हमें क्या किया, आशीष दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया, और ये आशीष कोई साधारण आशीष नहीं है, ये कोई मनुष्य ने या किसी हमारे रिश्तेदारों ने हमें आशीष नहीं दिया, लेकिन स्वयं परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसने मुझे और आपको आशीष दी है। और वो परमेश्वर कौन है, क्या कोई मनुष्य के समान है, नहीं। हमने देखा परमेश्वर पिता के बारे में पांच पॉइंट। सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर जो कुछ वो चाहता है वो बोलता है और उसके लिए वो हो जाता है। हालेलुया, तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर होने से पहले बोलता है। हालेलुया, चौथा हमने देखा कि परमेश्वर जो कुछ बोलता है उसको वो बदल नहीं सकता है, और पांचवा पॉइंट हमने देखा, परमेश्वर जो बोलता है वैसी चीज़ें हो जाती हैं, जो बोलता है वो होता है। हालेलुया, तो हम परमेश्वर के आशीषों पे भरोसा कर सकते हैं। जब मैं ये प्रीचिंग फिर से देख रही थी और मेरा पूरा नोट्स बना रही थी, तब मैंने सोचा कि उस परमेश्वर ने जिसने हमें और आपको आशीष दिया है, अगर वो परमेश्वर ऐसा है तो जो बाइबल है उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। अगर उसने बाइबल में कह दिया कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तो जब तक आप उसको पूरा होते हुए नहीं देख रहे हो उस वचन को पकड़ कर रखो, क्योंकि जिसने कहा है वो झूठ नहीं बोलता है, तो ये सच होना ही है। हालेलुया, तो आप उसके वादों को अपने जीवन में पकड़ कर रख सकते हो जब तक आप उसके अपने ऊपर पूरा होते हुए नहीं देखो, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है, वो बदलता नहीं है। हालेलुया, फिर हमने देखा एक और चीज़, हमने सीखा दो बातें कि विश्वासियों का लोकेशन यानी विश्वासियों का स्थान जो है वो कहाँ पर है, तो धरती पे क्या कर रहे हैं, द लोकेशन ऑफ द बिलीवर, विश्वासियों का स्थान किस में है, विश्वासी लोग मसीह में है। हालेलुया, सारी आपकी जो आशीषें हैं वो आपको किस में मिली है, मसीह के अंदर मिली है। हमने देखा कि अगर परमेश्वर, पिछली बार पहली बार हमने देखा था कि अगर प्रभु हमारा पुत्र, अगर हमारा प्रभु नहीं है तो परमेश्वर हमारा पिता नहीं हो सकता है। पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह का परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के वजह से परमेश्वर ने हमें ये सारी आशीषें दी है, तो हमको किस में बने रहने की ज़रूरत है, यीशु मसीह में। अगर आप यीशु मसीह में नहीं है तो आप परमेश्वर के आशीषों को अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया, तो सबसे पहले हमने देखा द लोकेशन ऑफ द बिलीवर, एक विश्वासी को कहाँ, किस के अंदर रहना चाहिए, वो है मसीह के अंदर। दूसरा हमने देखा द लोकेशन ऑफ द ब्लेसिंग,
आशीष का लोकेशन कहाँ पर है, आशीष जो हमें मिली है वो किस स्थान में मिली है, स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। द लोकेशन ऑफ द बिलीवर एंड द लोकेशन ऑफ द ब्लेसिंग। एक विश्वासी को मसीह में रहना है और उसका आशीष जो है वो स्वर्गीय स्थानों में है। हालेलुया। पर ब्रदर ने हमको लास्ट टाइम सिखाया बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर कि कैसे हम जो है आशीष के पीछे भागते रहते हैं। हमको लगता है कि फ्यूचर में, भविष्य में हमको कभी ना कभी आशीष मिलेगा, कभी ना कभी हम जो है आशीष पाएंगे, इसलिए हम विश्वासी क्या करते हैं, भागते हैं, उपवास करते हैं 40-40 दिन का, ताकि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन ले। गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं प्रार्थना में ताकि परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुने और वो आशीष हमें दे। लेकिन ब्रदर ने वचन के अनुसार हमको बताया कि हमें पहले से ही आशीष सारी मिल चुकी है मसीह में। हमको फ्यूचर में नहीं, हमको पास्ट में देखना है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु मान के स्वीकार किया, उस दिन हमें सारी स्वर्गीय आशीषें मिल गई। हालेलुया। तो बाकी धर्मों के बारे में उन्होंने बताया कि बाकी जितने भी दुनिया में धर्म है, रिलीजन है, उन लोग क्या करते हैं आशीष पाने के लिए, कर्म, अच्छा कर्म करो तो क्या मिलेगा, फल मिलेगा। व्हाट यू सेड यस्टरडे, कर्म, हाँ, हिंदू लोग बोलते हैं कि जन्म से कोई महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है, अच्छे कर्म करो तब तुम महान बनोगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन में, आई मीन नॉट वचन में, लेकिन प्रभु जो है विश्वासी लोगों के लिए, हमारे लिए ये है कि तुम कर्म से महान नहीं होते, तुम जन्म से महान होते हो। हालेलुया। नया जन्म पालो, यीशु मसीह को अपना लो और नए तरीके से जन्म लोगे आप तो आप महान हो जाओगे। हालेलुया। तो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको अच्छे कार्य नहीं करने हैं। आगे ब्रदर ने बहुत सुंदर तरीके से इसका लास्ट कंक्लूजन दिया, आशीष के पीछे मत भागो, आशीष बन के जियो। हालेलुया। आप उन चीज़ों के पीछे भागो नहीं, आप उन चीज़ों को लो ऐसे जैसे वो आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी हैं, और जब आप आशीष बन के जियोगे तब आप अन्य जातियों के लिए, अविश्वासियों के लिए एक आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। तो आज का रिकैप इतना ही था। आगे आज चौथा वचन हम देखेंगे। आइए हम सब ताली बजाकर परमेश्वर के जन का स्वागत करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन जो है अनमोल मोती है पिता परमेश्वर, जो हम, हमारे लिए एक खजाना है पिता परमेश्वर, जो जान से भी प्यारा है पिता, हमारा मन उसी में लगा रहता है पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये सत्य बातें सिखाए पिता, ताकि हमारा जीवन इसके ऊपर हम जिए पिता, और हम उस अनुभव, उस आशीषों को, उन आशीषों को अनुभव की करें पिता। धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आया इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय 1-3 वचन आपके दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, अगर नहीं बैठा है तो वापस से बिठा लो। ठीक है, ओके। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था क्या, आशीष के पीछे मत भागो, आशीषित बन के जियो। कितने जनों को समझ में आया, वो समझ में आया? ठीक है, कि हमारे पास ऑलरेडी आशीष आ चुकी है, चलेगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि हमें आत्मिक आशीष दिए, कैसे आशीष दिए, आत्मिक। अभी आपके दिमाग में ये आता रहेगा कि शारीरिक आशीष क्यों नहीं, हम तो शरीर के लोग हैं ना, तो शारीरिक आशीष हमको चाहिए, आत्मिक आशीष क्यों दिया है। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, शारीरिक आशीष किसी को भी मिल सकता है, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते अभी, है कि नहीं? अमीर लोग हैं दुनिया में, है, ठीक है, हाँ, उनके पास धन दौलत, गाड़ी, बंगला सब है, पर उनके पास आत्मिक आशीष नहीं है, शांति नहीं है, उनके परिवार में प्यार नहीं होता है, उनके परिवार में आनंद नहीं होता है, साथ में बैठ के बच्चे माँ बाप के साथ बैठते ही नहीं, क्योंकि बच्चे तो मोबाइल पे रहते हैं, टैबलेट पे रहते हैं, इस पे रहते हैं, उस पे रहते हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमेशा फ्लाई कर रहे हैं, हमेशा यू नो बिजनेस ट्रिप्स वगैरह, तो उनके बीच में आत्मिक आशीष नहीं है। शारीरिक आशीष आत्मिक आशीष के अंदर है, पर शारीरिक आशीष में आत्मिक आशीष नहीं मिलती है, समझ में आया? तो अगर आपको आत्मिक आशीष मिली है, वो बड़ा चीज मिला है, तो छोटा चीज बहुत साधारण सी चीज है, समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, पहले तुम स्वर्ग के राज्य और प्रभु के राज्य और धार्मिकता को खोजो, ताकि ये सारे चीजें जो ये लोग भागते हैं, जिसके पीछे भागते हैं, वो तुम्हें, समझ में आया कि नहीं आया? तो आत्मिक आशीष जरूरी है कि शारीरिक?
आत्मिक। एक चीज आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने आत्मिक रीति से ये शारीरिक चीजें बनाई है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने आत्मा में बोले पूरा दुनिया हो जाए और पूरा दुनिया हुआ, इसलिए ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज, हमारे जिंदगी जो है ना निर्णयों से बना हुआ है। कैसे बना है? निर्णय से। हर दिन हमको निर्णय लेना पड़ता है, हर सेकंड हमको निर्णय लेना पड़ता है। क्या पहने? सबसे बड़ा निर्णय क्या पहने, क्योंकि कबड़ तो पूरा भरा हुआ है। आज क्या पहने? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे पास तो कपड़े है ही नहीं। सबसे बड़ा निर्णय औरतों के लिए है क्या पहने, ठीक है। दूसरे बहुत सारे निर्णयों से हमारा जीवन भरा पड़ा है, पर तकलीफ तब होता है जब हम एक निर्णय लेते हैं और वो गलत हो जाता है। शादी का निर्णय, बच्चे पैदा करने का निर्णय, बच्चे ना पैदा करने का निर्णय, जॉब छोड़ने का निर्णय, जॉब ना छोड़ने का निर्णय, हर चीज में निर्णय हमारा, या क्या बोलते हैं उसको, बेटर वर्ड, डिसीजन, चॉइस, चुनाव, हर चीज में ये चुनाव आके खटकती है। यहां पर बैठे हर कोई अपना कोई ना कोई निर्णय क्या करता है, वो अफसोस करता है, हाँ ना। कभी कभी ऐसा निर्णय रहता है कि हमारे पास बहुत समय है, हमने गवाया। उस समय में मैं सोचता था, अरे जब मैं काम करता था बहुत पैसा मुझे जमा करके रखना चाहिए था, जमा करता था तो आज मेरे पास बहुत पैसा रहता था, पर मैंने जमा नहीं किया, मैंने वो पैसा उड़ा दिया। समझ में आ रहा है? हम हमेशा निर्णयों पे अफसोस करते हैं, पर एक चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, वो जाके वो निर्णयों को बदल सकते नहीं। कोई जाके अपनी शादी का निर्णय बदल सकता है क्या? नहीं, शादी हो गया तो हो गया, अभी उसके साथ ही जिंदगी भर रहना पड़ेगा। कोई अपने बच्चे पैदा करने का निर्णय बदल सकता है क्या? परमेश्वर ये वाला नहीं चाहिए था, वापस भेज दो ना, रिटर्न पॉलिसी, दूसरा बच्चा भेजो ना, ये वाला नहीं चाहिए, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे निर्णय आपके जिंदगी में जो आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है क्षण भर में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बाइकर जा रहा है, जो बाइक चलाता है फुल स्पीड जा रहा है, और एक ट्रक यहाँ से आ रहा है, एक गाड़ी यहाँ से आ रहा है, क्षण भर में उसको निर्णय करना पड़ता है उससे निकलूं कि रुक जाओ। और आप देखोगे हजारों एक्सीडेंट्स इसी निर्णय की वजह से होता है कि बाइकर को लगता है मैं निकल जाऊं, पर उनको पता नहीं था कि रिक्शा इधर से टर्न लेगा और ये गाड़ी इधर से टर्न लेगा, खत्म, एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर चला गया, उनका हाथ चला गया, वो लोग मर गए। और पेरेंट्स सोचते रहते या वो लोग सोचते रहते, काश मैंने वो निर्णय गलत नहीं लिया होता था, मेरा हाथ बचता था, मेरा पैर बचता था। लोगों की जिंदगियां जो है निर्णय के ऊपर टिका हुआ है, चुनाव के ऊपर। अगर आप गलत चुनाव करोगे, आपका जिंदगी जो आज है ना, आपके चुनाव की वजह से है। आप किसी को दोष नहीं लगा सकते, मम्मी ने की करवाया, पापा ने करवाया, पति ने करवाया, आपका चुनाव था, है ना। नौजवान जो रहते हैं वो लोग अलग चुनाव करते हैं, क्या मेरा पढ़ाई कौन सा लूँ, मैं इंजीनियरिंग बनूँ कि डॉक्टर बनूँ कि ये करूँ कि वो करूँ। चुनाव से घेरा हुआ हमारा जिंदगी है, हर पल हमको चुनना पड़ता है सही क्या है गलत क्या है। समझ में आ रहा है? ये सबसे मुश्किल चीज़ है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि हम हमेशा गलत निर्णय लेते हैं। नब्बे प्रतिशत गलत और 10% सही निर्णय। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जिंदगी में देखो आप किन बातों का अफसोस करते हो, वो गलत निर्णय था। सवाल यह है आप लोगों के लिए अभी, क्या परमेश्वर होने के बावजूद परमेश्वर को निर्णय लेना पड़ता है क्या? परमेश्वर को निर्णय लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, यस yes, लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरा सवाल यह उठता है, क्या परमेश्वर का निर्णय कभी गलत होता है क्या? परफेक्ट। तो हम कहते हैं काश मैं अलग निर्णय लेता था, काश मेरे जिंदगी में वो निर्णय नहीं लेता था, काश मैं शादी जल्दी नहीं करता था, काश मैं बच्चे पैदा नहीं करता था, काश मैं बच्चे पैदा करता था, काश 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 काश। हम लोग ज्यादातर काश में रहते हैं। किस में रहते हैं? सब लोग बोलो, काश। हमको काश में रहने के लिए नहीं बुलाया, आकाश में रहने के लिए बुलाया। समझ में आया?
काश से निकल जाओ बाहर, जब आपको परमेश्वर का वचन पता चलेगा आप किस में जियोगे, आप आकाश के स्थानों में जियोगे, आप प्रकाश में जियोगे, काश में नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस दिन के बाद काश वाला जीवन छोड़ दो। काश मैं उस समय में, काश मैं उस चुनाव में, काश मैं ये करता था, काश मैं वो, काश में नहीं, अब में जीना है। किस में? अब में। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर का निर्णय कभी गलत हो सकता है क्या? चलो देखते, एक वचन देखते। सबसे पहले साम्स 18:30। थैंक यू। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 30 वचन। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 30 वचन। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। सेकंड सैमुएल 22:31। दूसरा शमूएल 22:31। दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय उसका 32 वचन। 32:31। दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय का 31 वचन है। 31 22 अध्याय का 31। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। क्या है ईश्वर? क्या है? सिद्ध है, परफेक्ट है। His way is perfect. उनका गति को अगर कहते हैं तो मार्ग, उनका राह, उनका तरीका जो है सिद्ध है। क्या है वो? सिद्ध है। मतलब उनमें कोई दोष नहीं लगा सकता है कि उन्होंने कुछ गलत किया। मतलब उनका चुनाव क्या है? सिद्ध चुनाव है। सब लोग है मेरे साथ? बाइबल मत खोलो, बाइबल में घूम हो जाते हो आप लोग। लिखना है तो लिखो, बाइबल मत खोलो, ठीक है? परमेश्वर सिद्ध है। कोई बंदा अगर सिद्ध है वो असिद्ध या वो गलत निर्णय नहीं ले सकता है, गलत चुनाव नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है? परमेश्वर ने चुना कि आपके ऊपर आशीष डाले। क्या करे? आशीष डाले। परमेश्वर गलत है क्या? नहीं। कह सकते हैं परमेश्वर आपने गलती से आशीष दिया मुझे, ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं, ठीक है। अब जो आशीष आपको मिला है उसके वजह से आपको कोई तकलीफ या हानि नहीं हो सकती है, आपको कोई मृत्यु छू नहीं सकती है, आपको बीमारी छू नहीं सकती है, आपको कोई भी कमी घटी नहीं हो सकती है आशीष के वजह से। क्यों? मैं कहता हूं आपको, ये जो वायर देखते हो ना, वायर, फैन का वायर और लाइट का वायर देखते हो ना, उसके ऊपर कोटिंग लगा रहता है। किस चीज का कोटिंग लगा रहता है? अंदर करंट चल रहा है, आपको करंट से बचाने के लिए उसके ऊपर कोटिंग लगा रहता है, वायर के ऊपर लगा रहता है कि नहीं? Yes. अगर आपने छू लिया तो क्या होता है? जल जाओगे। समझ में आ रहा है? Yes. वैसे ही आपके ऊपर परमेश्वर ने आशीष का कोटिंग लगा दिया। Yes. आशीष का क्या लगा दिया? कोटिंग लगा दिया। तो आपको कुछ भी लग नहीं सकता या छू नहीं सकता है, आपको ना मृत्यु ना कोई बीमारी। अगर आपको यकीन नहीं है, आइज़ाया 65:8 खोलो, यशाया 65:8, और सुनो परमेश्वर क्या कहते हैं। यशाया 65:8, आइज़ाया 65:8, यशाया उसका 65:8। यहोवा यो कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर क्योंकि उसमें आशीष है। उसे नष्ट मत कर क्योंकि उसमें नष्ट, क्योंकि उसमें आशीष है। आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि आप पे आशीष बोला गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये साधारण सा लोगों को भी पता था कि जिस चीज पे आशीष है उसको नष्ट किया नहीं जा सकता है। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है, आपको पता होना चाहिए मेरा तो भला ही होगा। समझ में आया? जब मेरा जॉब गया था मैं डरा नहीं, हम लोग बैठ के और बाइबल पढ़ने लगे। शिविर हुआ था क्यों? क्योंकि मेरा जॉब गया था, मैं और अच्छे से पीपीटी बना सकता था, आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहा था मैं बाइबल का। मैं टेंशन में नहीं था, जॉब कहाँ से आएगा, क्या आएगा, खाना कहाँ से मिलेगा, कुछ नहीं, टेंशन नहीं था। और ये जॉब भी वो बंदे ने फोर्स किया, अरे ले लो ले लो ले लो ले, मैं बोला अरे छोड़, अरे ले लो, ले लेके ले लेके अब वो जॉब मिल रहा है। समझ में आया? आपको आपका ध्यान प्रभु पे लगाना है, समस्या पे नहीं, क्योंकि आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, आपका कोई बर्बाद नहीं कर सकता है जब आशीष उसके ऊपर है। द अनॉइंटिंग द ब्लेसिंग इंसुलेट्स यू अगेंस्ट ऑल डिफीट डिजीज डेथ एवरीथिंग।
आपको डरने की जरूरत नहीं है. आमेन. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, रीड द वर्स एफिशिएंस 1:4. रीड इट. लास्ट टाइम हमने देखा ही अप्रिशिएट्स अस, उसका मतलब है कि उन्होंने हमें आशीष दिया. किसने? पिता ने. पिता ने हमें आशीष दिया. अब देखेंगे पिता ने हमारे लिए क्या किया. रीड इफिशियंस का पहला अध्याय उसका चौथा वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. परफेक्ट. किसने हमें चुन लिया? उसने. वहां पर क्या लिखा आपके बाइबल में? उसने. उसने मतलब किसने? पिता परमेश्वर ने. पिता परमेश्वर ने क्या किया? आपको चुना. सब लोग देखो एक दूसरे को और बोलो तुमको चुना. अच्छे से बोलो यार. आपको भरोसा नहीं है कि आपके बाजू वाले को चुना है करके? उनके चेहरे पे मत जाना, सिर्फ बोलो हाँ पिता ने तुमको चुना. ठीक है. परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने वचन में सबसे पहले कहा क्या? कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना. आपने प्रभु यीशु को नहीं चुना. लोग कहते ना चुन लो प्रभु. नहीं, प्रभु ने पहले आपको चुना, फिर आपने यीशु मसीह को चुना. इसलिए जॉन 15:16 रीड. योहन्ना 15:16. योहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन. He chose us first. योहन्ना 15 का 16. तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे. तो सबसे पहले पिता ने हमें चुना, हमने पिता को नहीं चुना. है मेरे साथ? नेक्स्ट. उसने हमसे पहले प्यार किया, हमने पहले उससे प्यार नहीं किया. दूसरा मुद्दा, उसने पहले हमसे प्यार किया, हमने पहले उससे प्यार नहीं किया था. वह फर्स्ट जॉन 4:19, पहला योहन्ना 4:19. पहला योहन्ना उसका चौथा अध्याय उसका 19 वचन. पहला योहन्ना 4:19. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया. क्यों? किसने हमसे प्रेम किया पहले? पिता ने हमसे प्रेम किया पहले. आपके माँ से आपने पहले प्रेम किया कि माँ ने पहले आपसे प्रेम किया? कैसे पता आपको? आपने कब से प्रेम करना शुरू किया अपने माँ से? क्या जानने लगे? नहीं कि मम्मी से ही सब कुछ मिलेगा, है ना? आपका प्रेम स्वार्थी प्रेम है. हाँ या ना? बच्चों का प्रेम स्वार्थी प्रेम होता है. माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है. ठीक है. तो बच्चे का प्रेम स्वार्थी होता है. ठीक है. जब हम स्कूल में थे ना, अगर क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स वगैरह में हम लोग पीटी पीरियड में जाते थे बाहर. तो पीटी पीरियड में बाहर जाने के बाद दो लीडर्स को चुना जाता था, क्योंकि दो ग्रुप्स बनाने थे. तो दो लीडर्स को हमेशा अच्छे अच्छे वालों को चुनते थे, जो सबसे फास्ट भागते हैं, जो सबसे तेज है ना स्कूल में, उनको चुनते थे. तो तुम लीडर बनो, तुम लीडर बनो. बन गए. अभी बोलते थे इन लोगों को, तुम अपने टीम में कौन आएगा उनको चुनो. तो ये लोग चुनते थे सबसे बेस्ट, वो तेज भागता है उसको चुनो. इसने भी, अरे वो तो समझदार है उसको चुना, इसको चुना, उसको चुना. मैं हमेशा सोचता था वहाँ पे खड़े खड़े, मुझे उसके टीम में जाना है. वो चुने तो बस अरे यार मज़ा आएगा. सबसे लास्ट मुझे चुनते थे. बोलते थे अरे ये बच गया, किसकी टीम में जाएगा, ले लो इसको कोई भी. ऐसा हमेशा मेरे साथ होता था. कोई मुझे चुनता ही नहीं था, क्योंकि मैं कांडी सा था, पतला सा था, मैं भाग भी नहीं सकता था जल्दी, है ना. मुझ में कुछ क्वालिटीज ही नहीं था जिसकी वजह से कोई मुझे चुने. अभी दूसरा, जब भी टीचर बाहर जाती थी क्लासरूम से, हमेशा बोलती थी एक मॉनिटर होगा, है ना, ये तू खड़ा हो जा, तू पूरे क्लास का मॉनिटर कर. होता है कि नहीं क्लास में, है ना? हमेशा क्या, मुझे 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 जिंदगी में एक बार भी मॉनिटर नहीं बना मैं. इतना लंबे होने के बाद भी मेरा सर सबसे पहला दिखता है, फिर भी मुझे कभी चुनते नहीं है. मुझे इतना, मुझे एक बार तो मॉनिटर बनना था. एक बार, अरे परमेश्वर एक बार तो मॉनिटर बना, ताकि मैं सबको चुप है, क्वाइट. अभी देखो ना, जिंदगी भर परमेश्वर ने मुझे मॉनिटर बनाया, इतने सारे बच्चे दिए, है ना. हमेशा मैं सोचता था वो लोग मुझे चुन क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि वो काबिलियत देख के चुनते थे. क्या देख के? काबिलियत देख के चुनते थे, सबसे बेस्ट चुनते थे. हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है. अच्छा हुआ कि हमारा परमेश्वर वैसा नहीं चुनते हैं. ठीक है. किसको उसने चुना? आपको पता है किसको उसने चुना? परमेश्वर ने किसको चुना?
सब लोग अपने आप को देखो, मुझे छूना आप में है क्या? जो परमेश्वर सिद्ध है, जो परमेश्वर महिमा में रहते हैं, जहां पर सब करेक्ट है, सब सिद्ध है, सब महिमावान है, खूबसूरत स्वर्गदूत है, खूबसूरत क्या बोलते हैं संत है, उनके सामने सब खूबसूरती है, और उस सब खूबसूरती में रह के, उस सब संतों के बीच में रह के, उस सब स्वर्गदूतों के बीच में रह के, हमेशा महिमा में रह के आपको चुना। आपको अभी भी समझ में नहीं आया? ऐसा हो गया जैसे कि अंबानी के पास बहुत पैसा है, वो आता है एक कार खरीदने के लिए और बोलता है सबसे टूटा हुआ सबसे घटिया वाला कार मुझे चाहिए जो चलता भी नहीं है। अभी दिमाग में बैठा? अंबानी के पास एक तो पैसा है, अंबानी कोई भी दुकान पे जा सकता है, पर ये खटारे को क्यों ला रहे अंबानी? ऐसे परमेश्वर ने हमको चुना। समझ में आया? जब आप अपने आप को देखोगे, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, परमेश्वर मुझ में है क्या कि आपने चुना? परमेश्वर कहते हैं आप में एक ही चीज हो कि आपने यीशु को अपनाया। जिसने यीशु को अपनाया वो मेरा हो गया। इसलिए देखिए, रीड फर्स्ट कोरिंथियंस 1:26-28। पहला कुरिन्थियों थैंक यू फादर, एक अध्याय 26-28। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। एक मिनट, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर सोच ही नहीं रहे हो। आपने फॉर ग्रांटेड लिया, हल्के में लिया कि हम तो है, परमेश्वर को हमसे प्यार करना ही चाहिए, हम में इतना काबिलियत है, परमेश्वर हमने इतना किया तुम्हारे लिए, तुम्हारा तो जिम्मेदारी बनती है कि मुझे आशीष दे, मैं इतना अच्छा हूँ। कोई है ऐसा? नहीं। तो परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते कैसे हो? कैसे अपने जबान खोलते हो? कैसे बोलते हो परमेश्वर को, ऐसा मेरे जीवन में क्यों चल रहा है? हमारा उतना भी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने अपना जबान खोल के कुछ भी बड़बड़ाएं। हमारा औकात नहीं है। परमेश्वर, आपने इतना किया मुझे कि अपना पुत्र बना दिया, वो ही काफी है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, अपना यीशु मसीह आपने मेरे लिए दिया, वो काफी है। समझ में आया? सबसे बड़ा जो तोहफा है आपकी जिंदगी में उद्धार है। आप हल्के में मत लो उस चीज को। उसके बाद जो कुछ होता है ना, वो छोटे छोटे तोहफे हैं। सबसे बड़ा तोहफा उद्धार है। अगर आपका उद्धार हो चुका है ना, आप बोलो परमेश्वर बस इसके बाद और कुछ भी नहीं करोगे ना मेरे लिए चलेगा, मेरा उद्धार हुआ ना, मैं खुश हूँ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अपने बुलाए हुए पर ध्यान दे दो जरा, ठीक है? आगे कि कैसे? ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। शरीर के अनुसार कोई ज्ञानवान है क्या यहाँ पे? PhD करने वाला कोई डॉक्टर कोई है यहाँ पे? नहीं, सब नॉर्मल लोग है, ठीक है? आगे, और ना बहुत सामर्थी। कोई सामर्थी है यहाँ पे? बॉडी भी नहीं है क्या किसका? हाँ, किसमें ज्यादा ताकत है? नहीं, ठीक है, नहीं, वो भी नहीं है हमारा कॉलेज। और आगे, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, और बहुत नोबल फेमस। फेमस कोई है यहाँ पे जो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है? कोई है नहीं। अरे, अगर आपको किसी को चुनना है, आप या तो प्रसिद्ध लोगों को चुनोगे, या तो बलवान लोगों को चुनोगे, या तो समझदार और होशियार लोगों को चुनोगे। कंपनी में गया और कभी एक देखा क्या वहाँ पे चुनते हुए बॉस, कि एक बेवकूफ़ आया वहाँ पे, एकदम पतला कांडी सा, कुछ काम नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसे बंदे को चुनेगा क्या वो? फर्स्ट बोलता है कितना तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है, तो बोलेंगे ग्रेजुएशन हुआ। हाँ, फिर आ जाओ, फिर तुमने किधर किधर काम किया, काम कर सकते हो क्या, उसका सामर्थ्य देखेंगे। फिर देखेंगे कितना प्रसिद्ध है, कितना तुमको रिवॉर्ड मिला वहाँ पे, कितना तोहफे मिले वहाँ पे, क्या क्या तुमने वहाँ पर किया, फिर वो लोग लेंगे। परमेश्वर कैसे लोगों को चुन रहा है जिसमें ना सामर्थ्य है, जिसमें ना बुद्धि है, जिसमें ना प्रसिद्धता है, तो क्या है हमें? आगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। जगत के मूर्खों को। अगर जगत आपको मूर्ख कह रहे हैं तो बोलो हाँ तो है ना,
तुम्हारे नजर में हम मूर्ख है, परमेश्वर के नजर में हम बुद्धिमान है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया फिर भी मैं आपसे प्यार क्यों करता हूं। आपको समझ में नहीं आएगा मैंने फिर भी आपको क्षमा क्यों किया जब आपने मुझे इतना चोट पहुंचाया। आपको लगेगा ये मूर्खता है, नहीं ये समझदारी है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा मुझे माफ करना चाहिए। समझ में आपके दिमाग में नहीं आएगा कि इतने समस्या होने के बाद भी मैं इतना शांत कैसे हूं। आपके नजर में तो ये मूर्खता होगा, पर मेरे दिमाग में मेरे परमेश्वर के सामने ये समझदारी है। समझ में आया कि नहीं आया? जगत के सामने हम मूर्ख है। आगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवान को लज्जित करे। आपको पता है जब भी मैं स्कूल में खड़े होके हिंदी पढ़ता था सब लोग हंसते थे, सब लोग रुकते थे, रॉजर कब हिंदी पढ़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक खोलते ही मेरा हिंदी के लिए वो लोग रुकते हैं, हंस हंस के वो अलग क्लास हो जाता था। और स्कूल में टॉर्चर काफ़ी नहीं था हिंदी का, मराठी भी था, मराठी पढ़ते भी वो लोग सब हंसते। मैं डरता था बस बेल बज जाए मेरे टर्न आने से पहले। नहीं, पर आज वही बंदा हिंदी में प्रचार कर रहा है। परमेश्वर ने जब आपको चुन लिया है ना, वो कैसे भी इस्तेमाल करेंगे। जगत को लगता है इसमें वो कमजोर है, परमेश्वर उसी में आपका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता है पिछले सालों में अलग चर्चेज में मैंने मराठी में भी थोड़ा बहुत प्रीच किया, तो मराठी भी हुआ मेरा, हिंदी भी हुआ मेरा, तो इंग्लिश अच्छा है, पर परमेश्वर ने अलग ही नहीं किया इंग्लिश बोलने में, है ना। तो परमेश्वर आपको आपके कमजोर क्षेत्र में भी अपना महिमा दिखा सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आपको डरना नहीं है कि आपके पास क्षमता नहीं है, आपके पास प्रसिद्धता नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है। छोड़ो, आपके ऊपर आशीष है। Amen. आपके ऊपर आशीष है। यीशु मसीह ने कहा जब वो उसको पकड़वाने के लिए सारे सैनिक वगैरह आ गए, यीशु मसीह ने कहा तुमको पता नहीं है क्या, अगर मैं पापा से बोल दूं तो पापा क्या स्वर्गदूतों को भेजेंगे। कितने? अनगिनत नहीं, कितने? बारह। कितने? बारह। बारह क्या पलटन? एक पलटन में कितने होते? 185,000। बहुत सारे स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत जो है 185,000 लोगों को एक तीन मिनट में, कुछ सेकंड्स में खत्म कर सकता है खड़े खड़े। एक स्वर्गदूत कितना? 185,000 लोगों को एक ही झटके में खत्म कर सकता है एक स्वर्गदूत। यीशु मसीह ने कहा पूरा पलटन आएगा स्वर्गदूतों का अगर मैं बोलूं तो। यीशु मसीह कमजोर थे क्या? यीशु मसीह के पास सामर्थ था। कौन सामर्थ है यीशु मसीह का? पिता परमेश्वर। हमारा सामर्थ जो है, हमको देख के ऐसा मत सोचो कि हम अकेले हैं, हम बलहीन हैं। हमारे पास बल है, हमारा बल यीशु मसीह है, हमारा बुद्धि यीशु मसीह है, हमारा धन यीशु मसीह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना। सब लोग अपने आप को देखो, बोलो मुझ जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को। गजा, ठीक है। एक बार एक औरत गई थी सब्जी खरीदने के लिए, तो सब्जी खरीदने के चक्कर में उसने सोचा चलो फ्रूट्स खरीदते, फल। तो फल खरीदने के लिए गई वो, तो फल खरीदने के लिए गई तो वो सेब लाना चाहती है, सेब, एप्पल, सेव, एप्पल, सेव, ठीक है। तो एप्पल लाते वक्त उसने बोला भैया एक चीज़ करो, सब घटिया वाले जो सेब है वो पैक करो, थैली में डालो। तो बंदा बोला अरे यार ये पहली औरत है जो सब गंदा वाला सेब मांग रही है, खराब वाले फल मांग रहे, ठीक है चलो आज तो हमारा बोनी हो गया। निकाल निकाल के सब गंदा वाला निकाल रहा था, निकाल निकाल के थैली में बांध के बोला ये ले लो बहन जी। तो बोला हाँ ठीक है ये बाजू में रखो, अभी ये बाकी वाला मुझे दे दो। समझ में आया कि नहीं? गंदा वाला सब साइड में करा दिया ताकि सब अच्छे वाले वो भैया उधर रखे उनके लिए। समझ में आया? वैसे दुनिया के लोग करते हैं पर परमेश्वर नहीं करते। परमेश्वर वो थैली वाला लाते हैं और उसको सुंदर बना देते हैं। ऐसा क्षमता है परमेश्वर। हालेलुया।
इसलिए शायद आपके माँ बाप को आप में वो क्षमता नहीं दिखता है, आपके पति को आप में वो क्षमता नहीं दिखता है, आपके भाई बहन, आपके दोस्तों को, आपके टीचर को वो क्षमता आप में नहीं दिखता है, पर जो क्षमता परमेश्वर ने आप में देखा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप में यीशु है और यीशु के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। दुनिया ने आपको बाजू में रखा होगा, दुनिया ने कहा कि आप खराब माल हो, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, आपका जिंदगी तो ऐसे ही गरीबी में जाएगा, आपका जिंदगी को ऐसा ही बर्बाद होगा। नहीं, परमेश्वर कहानी लिखने वाले परमेश्वर है, तुमने मेरा कहानी नहीं लिखा, परमेश्वर ने लिखा। परमेश्वर ने कहा मेरा तो भला ही होगा, मेरा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आमीन। कितने जन है मेरे साथ? ठीक है, परमेश्वर ने क्यों चुना आपको, देखते हैं इज़राइल को क्यों चुना। ड्यूटरोनॉमी 7:6-8 व्यवस्था विवरण उसका सातवां अध्याय 6-8 वचन। व्यवस्था विवरण उसका सात अध्याय 6-8। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। यहोवा ने चुना है तुमको। ओके, यहोवा ने चुना तुमको आगे कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। तुम उसके क्या के ठहरे? प्रजा और निज धन। परमेश्वर आपको क्या बुला रहे? धन। आपको लगता है आपको देख के कि आप धन हो किसी का? आप धन ले सकते हो किसी का? धन हो क्या किसी के लिए? लगता है क्या? धन लेके शॉपिंग करा सकते हो, कर सकते हो, पर धन लग रहा है क्या आपको देख के कि मुझ में क्या धन है? परमेश्वर, ये आपके समझ से बाहर है कि परमेश्वर क्यों प्यार करता है आपसे, ये आपके समझ से बाहर है, पता ही नहीं चलेगा। आगे देखो, नेक्स्ट। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। यहोवा ने जो तुमसे, सब लोग बोल रहे हो, यहोवा ने मुझसे स्नेह किया, यहोवा ने मुझसे प्यार किया, प्यार करके मुझे चुन लिया। आगे, इसका कारण यह नहीं था। इसका कारण क्यों? आगे, कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हाँ, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है। ठीक है, परमेश्वर के प्रेम के वजह से और परमेश्वर के वाचे के वजह से। आपको पता है, कभी आपके जिंदगी में शायद से आपने माँ को कभी गले नहीं लगाया होगा। ठीक है, आपके पास वो मम्मी नहीं थे। ठीक है, मैंने भी नहीं लगाया। ठीक है, समझ में आता है। पर कभी ऐसा महसूस हुआ कि काश कोई ऐसा रहे जो हमको गले लगा के बोले कि सब ठीक हो जाएगा? कभी हुआ है आपके साथ? काश कोई ऐसा, पर आपको कभी नहीं मिला और आपको वो बनना पड़ा दूसरों लोगों के लिए। Yes, correct. पता चल रहा कि आप ही ढूंढ रहे हो सांत्वना के लिए और दूसरे लोग आपके पास आते हैं सांत्वना ढूंढने के लिए। Yes. और आप बोलते हैं, अरे मेरा ही हालत ऐसा है कि मैं रोना चाहता हूँ, और आप आके मेरे इसमें रो रहे हो। है कि नहीं? आपके साथ होता है कि नहीं? परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि एक बार आपने परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर लिया ना, आपके सारे दुख, दर्द, तकलीफ वगैरह सब मिट जाती है, सुकून आ जाता है, वो थकान सब चला जाता है। आप जैसे कि किसी को गले लगा रहे हो, पापा को, अपने स्वर्गीय पिता को गले लगा रहे हो और बोल रहे, पापा सिर्फ आप जानते हो कि मेरे जिंदगी में क्या हो रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब भी आप पापा से बात करते हो, दरवाजे बंद करके बात करना, क्योंकि ये आपके और आपके पापा के बीच में कोई इससे जानेगा नहीं, समझेगा नहीं कि ये रिश्ता कैसा है। बिन देखे उनसे हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। कब से प्रेम किया? वो वचन क्या कहता है? रीड इफिशियंस 1:4, वचन क्या कहता है? कब से प्रेम किया? जगत की उत्पत्ति से पहले। मालूम है, बहुत सारे जनों को अपना बर्थडे नहीं मालूम है, पर आपको पता है ना कि जगत की उत्पत्ति से पहले आप थे नहीं? Correct. थे कोई नहीं। कोई था क्या डायनासोर के एज से? कोई नहीं था ना। हम लोग अभी आए ना,
तो जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर हमारे बारे में कैसे सोच सकते जब हम थे ही नहीं? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? ये तो सिर्फ बोलने की बात है। अरे वो कौन है? वो परमेश्वर है। हम दोनों जो है, हमको मालूम है हमारे बच्चे होंगे, बच्चे आए क्या? नहीं। पर बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ना कि बच्चों को क्या क्या दे, क्या क्या कैसे बड़ा करे, कैसा क्या करे, सोच रहे ना, बच्चे के होने के पहले सोच रहे ना। तो जब बच्चे आ जाएंगे उनको बताएंगे तुम्हारे पैदा होने से पहले हमने तुम्हारे बारे में सोचा था। ये होता है एक अच्छा माँ और बाप। ये होता है एक अच्छा पिता या माता, जो बच्चे के पैदा होने से पहले उनके बारे में सोचते, पैसा जमा करे, अच्छे से उनका ख्याल रखना चाहिए। वैसे ही आपका स्वर्गीय पिता है। आपको बनाने से पहले, जगत के पहले उन्होंने सोचा था, उनको पता था इस पृथ्वी पर एक शोभा आने वाली है, इस पृथ्वी पर एक आशा आने वाली है, इस पृथ्वी पर निशा आने वाली है, इस पृथ्वी पर शिवानी आने वाली है। उनको पता था। आप एक क्या बोलते हो उसको, एक दुर्घटना नहीं हो। परमेश्वर ये निशा पैदा हो गई कहां से, ये कैसे हो गए? समझ आया? दुर्घटना नहीं हो आप, शौक नहीं हो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर जानते थे कि आप पैदा होने वाले, और उससे भी बेहतर परमेश्वर जानते थे कि आप यीशु को चुनने वाले हो। इसलिए वो सब देखे, वो सब देख के परमेश्वर ने आशीष आपको उसी समय बोल दिया, इसके ऊपर मैं आशीष बोलता हूं क्योंकि ये मेरे यीशु मसीह को चुनने वाली है। वाह। तो जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना। रीड फर्स्ट जगत के उत्पत्ति से पहले, ठीक है, सेकंड तिमोथी 1:9, ठीक है। तो उसने हमें कब चुना? उसने हमें सृष्टि के, जगत के उत्पत्ति से पहले चुना, ठीक है। उसके लिए खोलो 2 तिमोथी 1:9। दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन, दूसरा तिमोथी 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। क्या, कब से हुआ है? सनातन से। कब से हुआ है? जगत के उत्पत्ति से पहले सनातन से आप परमेश्वर के माइंड में थे। सब लोग को पता है आप लोग परमेश्वर के क्या थे? दिमाग में थे, दिल में थे आप। परमेश्वर जानते थे आपके बारे में, आपके परिस्थितियों के बारे में जानते थे। परमेश्वर जानते थे कि आपको क्या जरूरत पड़ेगी और क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है कि परमेश्वर ने आपको चुना जगत के उत्पत्ति से पहले। परमेश्वर दूसरा मुद्दा आपको चुना आपके जन्म से पहले। आपके क्या? जन्म से पहले। जरमाया 1:4-5, परमेश्वर ने आपको चुना उत्पत्ति से पहले और परमेश्वर ने आपको चुना जन्म से पहले। यरमाया उसका 1:5, 1:4-5, यरमाया उसका पहला अध्याय उसका 4:5 वचन। थैंक यू फादर। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही। सब लोग सुनो, गर्भ में रचने से पहले ही। आगे। तुझ पर चित्त लगाया। तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया। वाव, आगे। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरे को चुन लिया। शायद से आपका माता पिता नहीं चाहते थे कि आप पैदा हो। शायद से वो लोग नहीं जानते थे कि आप पैदा होने वाले। अगर गांव में आप पैदा हुए तो बहुत कम चांसेस है कि वो लोग खुश हो गए जब आप औरत पैदा हुए या लड़की पैदा हुए। उनको लड़का चाहिए था और हो गया लड़की। कितने जन इससे गुजरे हैं। माँ बाप को खुशी होती है जब क्या, लड़का पैदा होता है। या माँ बाप चाहते थे कि अब बच्चा पैदा ना हो, बाद में बच्चा पैदा हो, और बच्चा पैदा हो गया। बहुत सारे बच्चे इस दुनिया को देखे बिना ही मर जाते कोख में। बहुत सारे बच्चों को मार डाला जाता है कोख में क्योंकि माँ बाप को नहीं चाहिए वो बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप आज जिंदा हो इसलिए नहीं कि आपके माता पिता चाहते थे कि आप जिंदा हो। आप जिंदा इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि आप जिंदा हो। क्योंकि परमेश्वर ने आपके माँ के कोख में तय कर लिया। इसको कोई भी रोकने की कोशिश करे, इसको कोई भी खत्म करने की कोशिश करे, वो
सफल नहीं होने वाले, क्योंकि इस बच्चे को बाहर मैं लाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आपको कोई रोक नहीं सका। आपके माँ के कोख से शायद से ऐसे परिस्थिति थे कि आपको शायद से वो लोग नहीं चाहते थे, पर परमेश्वर अगर चाहते हैं, ये दुनिया के कोई भी लोग ना चाहे तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप फिर भी जीवित रहने वाले, परमेश्वर की स्तुति करने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसा प्यार है परमेश्वर, जो मेरे माता पिता को भी पता नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की होगा, पर आपको पता था कि माँ के कोख में आपके हाथों से मेरा बदन बन रहा था। वचन कहता है आप मेरे हड्डियों से वाकिफ हो, मेरे रग रग से वाकिफ हो, आपने मुझे सुंदर रीति से बनाया। आपके चेहरे को आईने में देखकर बोलो कि परमेश्वर की कारीगरी क्या है, बहुत सुंदर है। समझ में आया? कभी मत, परमेश्वर आपने नाक गलत दिया, आपने आँख गलत दिया, आपने कान गलत दिया, आप मेरा चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं, परमेश्वर के नजर में आप सुंदर हो। कभी देखे ऐसे बच्चों को जो माता पिता फिर भी उनका ख्याल रखते, जो सुंदर बिल्कुल नहीं है, उनका मुंह पूरा आड़ा टेढ़ा है। कभी देखे ऐसे बच्चों को पैदा होते वक्त, पर फिर भी माता पिता उनका ख्याल रखते हैं, परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करते हैं। ये सिद्ध क्यों, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको? एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे, और ये पति पत्नी के तीन बच्चे थे। कितने बच्चे थे? तीन बच्चे थे। उसमें से दो बच्चे जो थे गोरे थे, दो बच्चे क्या थे? गोरे थे। एक वो लड़का था सांवला सा, और ये हस्बैंड को हमेशा कटकता था, ये सांवला वाला बच्चा किसका है, मेरा तो नहीं हो सकता है, मेरा गोरा गोरा बच्चा मेरा होगा, पर सांवला वाला बच्चा किसका है, हमेशा कटक रहा था। पर वो कभी भी अपने पत्नी से हिम्मत नहीं करता था पूछने के लिए कि ये सांवला वाला बच्चा किसका है। ठीक है, जब वो एक दिन कुछ तो हुआ उसको, बीमारी हुआ वगैरह, उसको बीमारी हुआ और वो मरने के बिस्तर पे बैठा था, लेटा था, वो मरने वाला था। पत्नी आई उसके पास, जा रहे हो, एक बात बताओ मुझे, वो सांवला वाला बच्चा मैं पूछना चाहता था हमेशा, किसका बच्चा है? तो वो पत्नी बोली, अरे वो तो वो हमारा ही बच्चा है, सच में? हाँ सच में वो हमारा ही बच्चा है, हम दोनों के बच्चे हैं। बोला ठीक है, हाँ। सुकून मिला इसको और वो चला गया, मर गए। बाद में बोलने लगी पत्नी अपने आप में, अच्छा हुआ कि वो दोनों गोरे बच्चे के बारे में नहीं पूछे, क्योंकि सांवला तो इसी का था, गोरे वाले किसी और का था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे आपका जन्म कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर आपको पहले से ही जानते हैं। सांवले हो गोरे हो कैसे भी हो, परमेश्वर आपको सुंदर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आपको ऐसा बनाया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति करो सब लोग। कितने जन यहाँ पे जो है जिनका अरेंज मैरिज हुआ है, प्यार वाला मैरिज नहीं हुआ, अरेंज मैरिज हुआ, सबका सबका अरेंज मैरिज मतलब घर के हिसाब से माता पिता ने तय किया तुम्हारा शादी, कितने मैरिज नहीं हुआ? आपका भी हुआ ना? कलम मैरिज। अच्छा, कितने जनों ने फोटो भेजा लड़के वालों को, अपना फोटो भेजा लड़के वालों को, माँ बाप ने भेजा होगा ना फोटो वगैरह, लड़की देखो कितनी सुशील है, कितनी अच्छी है। कितने जन कुछ लोगों के जैसे जाके स्टूडियो में लटका हुआ मुंह लेके फोटो निकाले, कितने जन सुबह सुबह उठ के बिना घासे बिना ब्रश किए अपने बाल वाल फोटो निकाले, कितने जन ऐसे बिना मेकअप के कभी भेजे ऐसे फोटोज? नहीं, आपको सबसे सुंदर वाला भेजना है। जब लड़के वाले आते घर पे, लड़की कैसी आती है? नाइटी में आती है क्या? जो है यही है, ले लो, चाहिए तो ले लो वरना जाओ भागो यहाँ से, ऐसी हूँ। बाद में पति को चलता, ये एक औरत कौन है, अरे इसी से तो शादी किए थे, तो वो कौन था? वो मेकअप वाली थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कैसे जाते हो बंधन, क्या सुंदर जाते हो लड़के वालों के सामने एकदम शर्मा के, भले बाद में सब शर्म पता चलता है कितना शर्म आती है, आगे जाके शर्म लीजिए लो जी, है ना, प्यार से जाते हो। कोई ऐसा जाता है, ए लेने का तो ले वरना जा, इसमें शक्कर नहीं डाला, इसमें चीनी नहीं, कुछ नहीं डाला,
करते हो क्या? नहीं, सबसे सुंदर अपना कुछ दिखाते हो, सब कुछ। माँ बाप भी बोलते हैं हमारी लड़की तो बड़ी संस्कारी है, सब घर काम करती है, रोटी गाय है, रोटी गोल गोल उसका होता है हमेशा, पति भी हा सुंदर स्वर्ग है ना। और बाद में पता चलता है कि घर पे क्या होता है। हम अच्छा अच्छा दिखा के फिर चुन लिए जाते हैं, अच्छा अच्छा दिखा के। गंदा दिखाएंगे कोई चुनेगा भी नहीं, आपको पता है। कमन परमेश्वर है वो, हिब्रूस 4:13, उसके नजरों से कुछ भी छुपा नहीं होता। वो आपके होने से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले जानते थे कि आप क्या जिंदगी जियोगे। आपके पति से, आपके माँ बाप से आपके सारे कांड छुपे रहेंगे, पर परमेश्वर के नजरों से नहीं। परमेश्वर पहले से ही जानते थे आप कितने बार उसको धोखा दोगे, उनको धोखा दोगे, कितने बार प्रार्थना नहीं करोगे, कितना बार उन पे भरोसा नहीं करोगे, सब जानते थे। किस गंदगी में आप जीवन जियोगे यीशु को अपनाने के बाद भी। आपको पता है उनका प्यार, वो सब देख के, वो सब जान के फिर भी आपको चुना। पाप से जानता है तुम्हारे, शैतान तुमको तुम्हारे पाप से बुलाता है, पाप से जानता है, पर परमेश्वर तुमको नाम से बुलाता है। आप सोचो, अगर आपको आपके पति के बारे में, पत्नी के बारे में गंदे गंदे चीजें पता चले, आप एक दिन भी उसके साथ नहीं रह सकते हो, आप एक दिन भी शांति से नहीं रह सकते हो। परमेश्वर का कितना प्रकोप के योग्य है हम, कितना क्रोध के योग्य है हम, कि परमेश्वर जानता है हमारे खोखले जबानों के पीछे क्या खोखली जिंदगी है। परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने हमको चुना, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। मैंने कुछ अपना सुंदरता नहीं दिखाया परमेश्वर, मैंने अपना कुछ ज्ञान नहीं दिखाया, मैंने कुछ धन नहीं दिखाया, मैंने कुछ काबिलियत नहीं दिखाया परमेश्वर, फिर भी आपने मुझे जानबूझकर चुन लिया, ये पता होने के बाद भी कि मैं आपसे बेवफाई करूंगा, कि मैं आपके वचनों पे खड़ा नहीं रहूंगा, कि मैं बार बार गिरता रहूंगा। क्यों चुना आपने मुझे परमेश्वर? काश आपको पता चलता था कि ऐसा प्यार ना एक माँ ना एक बाप को दिखा सकता है। बहुत सारे माँ ऐसे हैं जो अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं, जा तुझे वो जिंदगी जीना है, जा। आजकल बहुत सारे बार हो रहा है, पर कभी भी परमेश्वर ने एक बंदे को भी अपने घर से कभी नहीं निकाला, सब गंदगी जानने के बाद भी। दो मिनट के लिए, सिर्फ दो मिनट के लिए सोचो, आपका जीवन परमेश्वर के सामने तो खुली किताब है, वो सब जानते हैं। आप में कितना विश्वास है, कितना आप योग्य हो, कितना क्या हो, फिर भी एक बार भी अपना क्रोध आपके ऊपर डाले नहीं, आपसे इतना प्यार किया फिर भी। आप अगर पता चलता था आपको कि आपके पति पत्नी या बच्चे ऐसे कर रहे हैं, आपको तो नफरत आ जाता था, नफरत। उनको नफरत नहीं आया, उनको प्यार आया, उनको प्यार आया। परमेश्वर ने किसको चुना? दो मिनट के लिए आंखें बंद करो, दो मिनट के लिए। और सोचो आपका जीवन कैसा है, कुछ भी छुपा नहीं है परमेश्वर के नजरों के सामने। बचपन से लेके आज तक जो कुछ आपने किया है परमेश्वर जानते हैं, सब पता है परमेश्वर को, फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपसे प्यार करता हूं। फिर भी परमेश्वर कह रहे, पता है तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया था, मैंने अपना मन में, I set my heart to love you, मैंने चुना कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुम कैसे भी हो। परमेश्वर से दूर मत भागो,
परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर ये गंदगी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे दूर भागूं, क्योंकि स्वर्ग इतना सुंदर है, पवित्रता हर जगह है, और मैं अशुद्ध मनुष्य, मैं ऐसा मनुष्य पिता जो गिरता रहता है, जो कमजोर होता रहता है, जो निर्बल होता रहता, जो शक करता रहता है, जो बड़बड़ करता रहता है, जो कुड़कुड़ाता रहता हूं, ऐसे से कोई क्यों प्यार करेगा पिता? ऐसे व्यक्ति से, ऐसे बंदे से कोई क्यों प्यार करेगा पिता? आपका जो प्यार है हमारे समझ से बाहर है। क्यों मैं आपसे भागूं? क्यों मैं आपसे दूर हो जाऊं? पिता, जितना आपके शरण में रहता हूं, जितना आपके नजदीक और निकट रहता हूं, उतना पवित्रता आप मुझे भरते हो, देते हो पिता। मेरे सारे गलतियों को, जो भी गलती है, जो भी पाप है, वो मिटता जाता है और आपका महिमा होता रहता है। थैंक यू फादर। अभी हम देखते हैं इसमें कि परमेश्वर ने हमें किस में चुना। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में चुने। किस में चुना? यीशु मसीह में। जब परमेश्वर हमें देखते हैं, पता है क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? सब लोग देखो यहाँ पे, क्या देखते हैं? यीशु मसीह के सिद्ध जीवन को देखते हैं। यीशु मसीह एक ढाल बनकर, यीशु मसीह हमारे इर्द गिर्द रहकर, और जब भी पिता हमें देखते हैं, एक सिद्ध जीवन देखते हैं, हमारे गलतियों को नहीं देखते हैं। जब एक छोटा बच्चा जो है, अगर वो घर में कहीं भी कुछ भी गिराता है, आप चिल्लाते हो क्या छोटे बच्चे को? हाँ, जब वो पॉटी करता है, जब वो कुछ भी करता है, आप नहीं चिल्लाते हो, क्योंकि आपको मालूम है ये छोटा सा बच्चा है। आप उनको प्यार के नज़रों से देखोगे, अल्ले पॉटी किया, आ इतना अच्छा सुगंध आ रहा है, आ हाँ, आप उनसे प्यार के नज़रों से ही देखते हो, क्योंकि आप उनको चिल्ला नहीं सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है वो अनजान है, खुद से वो सही नहीं कर सकते हैं। वैसे ही पिता हमारे बारे में सोचते हैं, जब वो हमें देखते हैं कि मैं, मुझे मालूम है ये लोग अनजान लोग हैं, खुद से सही नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब हम घान भी करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार से हमें वापस से उठाता है, हमें चिल्लाता नहीं है, वो प्यार से हमें उठाता है, क्योंकि वो यीशु मसीह में हमें सिद्ध देखते हैं। यीशु मसीह को छोड़ के कभी मत जाना। कोई जीवन भार आपके लिए रखा ही नहीं है, यीशु मसीह के वजह से ही। आपको पता है, जब आप चश्मा पहनते हो, क्या बोलते हो उसको, ग्लासेस, गॉगल्स, गॉगल्स पहनते हो, तो आपको कौन सा कलर का दिखता है पूरा दुनिया? जिस कलर का चश्मा है, हाँ, ब्लैक तो ब्लैक, येलो तो येलो, ऑरेंज तो ऑरेंज, है ना, ग्रीन तो ग्रीन, ब्लू तो ब्लू, है ना। परमेश्वर ने यीशु मसीह वाला चश्मा पहना। हम में क्या दिखता है? यीशु मसीह का रंग दिखता है। यीशु मसीह के रंग से हम रंगे हुए हैं, यीशु मसीह के लहू से हम ढके हुए हैं। हम पर परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध आ ही नहीं सकता है। वाव, थैंक यू यीशु मसीह। सब लोग बोलो धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, कि यीशु मसीह जो हमारे लिए किए, जिसके वजह से आज हम महफूज हैं, परमेश्वर के प्यार को अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ठीक है, तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं? नाउ सी द नेक्स्ट वर्स, कि हम पवित्र और निर्दोष हो। Ephesians 1:4, कि हम पवित्र और निर्दोष। क्यों चुना हमें कि हम पवित्र और निर्दोष हो? यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है। Ephesians 5:27, फर्स्ट पॉइंट, यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है। क्वेश्चन लिखो आप, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं? Ephesians 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया
कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। याद रखना, प्रेम में क्या है? प्रेम में पवित्र और निर्दोष। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, यीशु ने हमारे लिए क्या किया? यीशु ने हमें शुद्ध किया। फर्स्ट पॉइंट, यीशु ने हमें शुद्ध किया। इफिशियंस 5:27, इफिशियंस 5:27, 5:27, इफिसियो, थैंक यू फादर। यीशु ने हमें शुद्ध किया, इफिसियो 5:27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष फिर से आया, मतलब कौन हमें पवित्र निर्दोष रखता है, हमें शुद्ध करता है? यीशु मसीह। दूसरा मुद्दा, यीशु मसीह हमें कंफर्म करता है। बुकिंग आपका कंफर्म होता है जब आप ट्रेन पकड़ते हो, आपका सीट रिजर्वेशन कंफर्म होता है। वैसे रीड 1 Corinthians 1:8, 1 Corinthians 1:8, 1 Corinthians 1:8। थैंक यू फादर। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो, ताकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। वो कंफर्म करेगा, वो दृढ़ करेगा, वो आपको शुद्ध भी करता है, वो आपको दृढ़ भी करता है। पर आपको भी कुछ करना है कि नहीं करना है? करना है, ऑब्वियसली करना है। क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, आपको अपने आप को कॉन्सिक्रेट करना है। कॉन्सिक्रेट मतलब ओके, तो क्वेश्चन लिखो आप लोग, हमें क्या करना है उसके लिए पहला है कॉन्सिक्रेशन, शुद्धिकरण, अलग, अपने आप को अलग करना है। फिलिपियंस 2:14-15, अपने आप को अलग करना है। फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय 14:15, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। क्या क्या क्या? सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना और बिना विवाद के, बिना विवाद के। क्या होता है विवाद? झगड़ा। क्या होता है विवाद? कोई होता है क्या? हमारे घर पे तो नहीं होता है विवाद। क्या होता है विवाद, पता है किसी को विवाद क्या होता है? हम तो नहीं करते, करते कि नहीं करते? नहीं करते ना। कुड़कुड़ाते, कुड़कुड़ाना क्या होता है? हम करते विवादों, कुड़कुड़ाते। जिसने भी मसीह के प्रेम को अनुभव किया वो कुड़कुड़ाएगा नहीं, वो विवाद नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? आशीषित जन के मुंह से आशीष ही निकलेगा। धन्य है हमारे पिता परमेश्वर, आशीषित जन के मुंह से आशीष ही निकलेगा। अगर आपको पता नहीं है कि आप आशीषित हो, सब ये कचरा निकलेगा। किसी को नीचा दिखाना, किसी को झगड़ा करना, किसी को नुक्स निकालना, ये सब ना गंदगी वाली बातें हैं। आपके मुंह को शोभा नहीं देता है और आपके आपके ख्रिस्ती जीवन को ये शोभा नहीं देता है, शोभा बिल्कुल नहीं देता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कैसा रहना चाहिए? आपके मुंह से निरंतर आशीष निकलना चाहिए। देखो आगे क्या लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीली लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। क्या? जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। क्या प्रचार, पूरा दिन जाएगा उसको प्रचार करने का। टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में कितने जन रहते हैं यहाँ पे? आपके पति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में कितने जन रहते हैं? उनके बीच में कैसा रहना है आपको? बिना कुड़कुड़ाए, बिना झगड़ा किए हुए, ताकि आप परमेश्वर के पुत्र क्या निर्दोष और भोले जीवन के वचन को, उनको पता है कि जीवन का वचन आपके साथ है, आपको नहीं झगड़ा करना है, आपको आशीष ही देना है। एक गुस्सेदार आदमी को शांत करा सकता है आशीष, ट्राई करो। ठीक है, दूसरा, आपको कंटिन्यू करना है। फर्स्ट यू हैव टू कॉन्सेक्रेट, सेकंड यू हैव टू कंटिन्यू, निरंतर बना रहना है। दूसरा पॉइंट है, निरंतर बने रहना है। दूसरा पॉइंट, आपको यीशु के लिए क्या करना है? निरंतर बने रहना है। कोलोसियंस 1:22-23, निरंतर बने रहना है। उसके लिए कुलुशियों उसका पहला अध्याय 22 और 23। सुनो गौर से, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा
तुम्हारा भी मेल कर दिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, यदि तुम विश्वास की नींव पे दृढ़ बने रहो तो तुम पवित्र और निष्कलंक रहोगे। तुमको बने रहना है, विश्वास की नींव पे बना रहना है, फिर आप छोड़ नहीं सकते हो। आप पकड़ के छोड़ के आज यीशु में नहीं, ऐसा नहीं चलता है। आपको बने रहना है यीशु मसीह में, फिर ही आप निष्कलंक और पवित्र जीवन जी सकते हो। पूरा करो वो। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, उसको नहीं छोड़ना है, इस सुसमाचार को नहीं छोड़ना है, फिर तुम पवित्र और निष्कलंक रह सकते हो। देखो, यीशु का काम है आपको शुद्ध करना और आपको दृढ़ बनाए रखना, पर आपका भी काम है सबसे पहले ना कुड़कुड़ाना, ना झगड़ा करना, और सबसे दूसरी बात क्या है, बने रहना है। तीसरी बात, आपको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट मतलब आपको प्रचार करना है अपने जीवन के द्वारा। तीसरी बात, आपको प्रचार करना है अपने जीवन के द्वारा, 1 Peter 2:9-12, ध्यान से सुनो ये वाला, 1 Peter 2:9-12। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 9-12, 1 Peter 2:9-12। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत, बस आपको पता है कि आप क्या हो, चुने हुए, चुना हुआ वंश हो, नेक्स्ट राजपदधारी याजकों का राजपद, नेक्स्ट और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आपको पता है ये शान शौकत किसका है, आपका। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरी बहन जो है ना, अगर हमसे बात कर रही है ना, तो फोन पे कैसे बात करते हैं, मैं बोला हाँ क्या बात, हाँ, तो अगर सामने भी बात कर रहे हो तो बोलो हाँ ना क्या हुआ ना, जैसे फोन आता है, जैसे किसी का फोन आएगा, हाँ यस टेल मी, हाँ ये, हाँ यस टेल मी, क्यों बदलती है? क्योंकि उसको मालूम है कि वो इस फोन कॉल पे मैनेजर है, वो शी इज अ मैनेजर, किस कोई उसके लिए काम कर रहा है तो उसको वैसे बात करना पड़ेगा डिसेंसी से, क्यों, मैं मैनेजर हूँ, मेरा कुछ पद है, मैं उनको चिल्ला नहीं सकता हूँ, वरना मेरा नहीं चला जाएगा, इज्जत दी रहेगा। सब लोग यूपी वाले हैं ना, इज्जत के बारे में नहीं पता आपको, ठीक है, इज्जत, ठीक है, मेरा इज्जत चला जाएगा अगर मैं चिल्लाऊं इनको, तो म्यूट पे डाल के हमको चिल्लाते हैं, फिर बाद में अनम्यूट करके हाँ यस टेल मी, हाँ ओ शो शो शो, हाँ यस, ऐसा होता है। क्यों बदल सकते हैं वो लोग पल भर में? क्योंकि उनको मालूम है उनका पद वहाँ पे क्या है और उनका पद यहाँ पर क्या है। घर पे वो कैसे भी चिल्ला सकते हैं, आप लोग में से कोई भी क्लासरूम में जाके वैसे चिल्लाते हो क्या? नहीं। हाँ, जाके स्टेज पे चिल्लाए वैसे जैसे घर पे चिल्लाते हो, कोई है ऐसा? नहीं, आप बाहर जाके ना एकदम डिसेंट से, हाँ बोलिए ना क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है? पर जब आप घर पे हो, आप कुछ भी हो सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है? जब आपको पता है कि आप राज्य खानदान से हो, परमेश्वर के वारिस हो, संतान हो, तो आपको कैसा बिहेव करना चाहिए? चिल्ला के वगैरह? जिन लोगों को आप प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, उनको ही चिल्ला रहे, उनके साथ ही झगड़ा कर रहे, कैसे आपके यीशु को अपनाएंगे वो लोग? उनको प्यार दिखाओ ना। हर कोई इंसान ना प्यार का भूखा होता है, आपके पति से लेके, आपके पिता से लेके, कोई भी इंसान, आपके भाई से लेके, वो सिर्फ प्यार का भूखा रहता है, वो सिर्फ चाहता है कि कोई चंद शब्द मुझसे कहे कि मैं अच्छा हूँ, मेरा सब ठीक हो जाएगा, बस आदमी भी रो जाएंगे आपके सामने, थोड़ा सा प्यार दिखा दो ना, आपके पति भी रो जाएंगे, रोते बैठेंगे वहाँ पे, वो लोग अंदर से बहुत कोमल है, वो लोग हमेशा, मैं कहता हूँ आपसे, बाहर कठोर दिखाना पड़ता है क्योंकि दुनिया है, एक बार उनके साथ बैठ के पूछो तो सही, थोड़ा प्यार दिखाओ उनको से, ये प्यार नहीं होता है खाना बनाना उनके लिए, उनका कपड़ा धोना, आयन करना, इस्त्री करना, ये प्यार नहीं होता है, उनको समझना प्यार होता है, समझो उनको, प्यार दो, वो लोग बदल जाएंगे। आमेन, यस मैन, कितने जने मेरे साथ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, हाँ आगे पढ़ो, पढ़ते जाओ,
थैंक यू फादर। ओके, पहला पत्रस 2:9 का, 2 अध्याय का 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। किनके कारण? तुम्हारे भले उन्हीं कामों। उन्हीं कौन? भले काम, लेक्चर के वजह से क्या लिखा है यहाँ पे, और तुम्हारे अच्छे लेक्चर के वजह से जो तुम बार बार उनको देते हो उसके वजह से वो यीशु को अपनाएंगे। किसके वजह से? भले कामों को। भले काम ना, तो भले काम करते रहो ना। बाइबल में साफ साफ लिखा है तुम अपने जीवन को सीधा करो, उनके जीवन सीधा करने के लिए मत जाओ। सबसे पहले उनका जीवन सीधा मत करो, अपना रोशनी इतना बढ़ाओ कि उनका अंधकार मिट जाए। आपको अंधकार मिटाना है, आपको अपना रोशनी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग है मेरे साथ? तो परमेश्वर ने हमको चुना, ओके, परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह में चुना ताकि हम क्या करें। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? शुद्ध किया, दृढ़ किया। और हमें क्या करना है? नंबर वन, अलग करना है। नंबर टू, बने रहना है। नंबर थ्री, हमारे जिंदगी से यीशु मसीह दिखाना है। हमारे जिंदगी से क्या सबने लिखा ना? यीशु मसीह दिखाना है। रीड जॉन 15:16 विच वी रेड बिफोर, योहन्ना 15:16 पहले। थैंक यू फादर, खत्म हुआ है। योहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना? सब लोग सुनो। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। क्या लाने के लिए नियुक्त किया? क्या करने के लिए? फलवंत जीवन जीने के लिए। सब लोग बोलो फलवंत। परमेश्वर फल के लिए क्या लगता है? फल के लिए क्या लगता है? बीज लगता है कि नहीं लगता है? कोई मार्केट में जाता है क्या बीज वाले के पास, फ्रूट वाले के पास, और बोलता है मुझे सेब का बीज दो? आप जाके वो डालोगे क्या? फिर सेब के लिए रुकोगे क्या? नहीं। आपको क्या चाहिए? फल चाहिए। आपको बीज नहीं चाहिए, आपको फल चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने नहीं कहा आपको बीजवंत होने के लिए, परमेश्वर ने कहा आपको क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आपके अंदर बीज। परमेश्वर को मालूम है आपके अंदर परमेश्वर के बीज के वजह से आप पैदा हुए हो, तो आप में फलवंत होने का बीज ऑलरेडी है। आप और यीशु जब एक हो जाते हो तो वो बीज प्रोड्यूस करता है, वो उत्पन्न करता है फल को। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम फलवंत हो जाओ और ऐसे फल लाओ जिससे पिता खुश हो जाए, महिमा मिले पिता को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपका जीवन फलवंत नहीं है तो आपको यीशु मसीह में बना रहना पड़ेगा, उसके वचन में बना रहना पड़ेगा और फल लाना पड़ेगा आपके जिंदगी से। आमेन। कोई है? गुड जॉब। नेक्स्ट, बिफोर हु कैन वी बी होली एंड विदाउट ब्लेम, किसके सामने हमें पवित्र और निर्दोष रहना है? सब लोग लिखो, किसके सामने हमें पवित्र और निर्दोष रहना है? किसके सामने हमें पवित्र और निर्दोष रहना है? रोमन्स 8:33, रोमियो 8:33, रोमियो 8:33, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए, हम चुने हुए हैं, दोष कौन लगाएगा? आगे, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। अगर परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया, कौन हम पे दोष लगा सकता है? कोई है क्या? परमेश्वर से ऊपर कोई है? नेक्स्ट, आगे, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन है जो दंड दे सकता है हमको? कोई देगा क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही दंड नहीं दे रहा है तो कौन दे सकता है? आगे, परमेश्वर ही है
जो उनको मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है हमारे लिए निवेदन भी। हमारे लिए किसके लिए? हमारे लिए। हमारा जीवन जो है ना परमेश्वर के सामने शुद्ध पवित्र निर्दोष निष्कलंक रहना चाहिए। कभी कभी हम इतना ढोंग कर लेते हैं कि लोगों के सामने हम अच्छा जीने की कोशिश करते हैं पर परमेश्वर के सामने हमारा जीवन गंदा रहता है। परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में क्या है। हम खड़े होते या हम गिरते हमारे परमेश्वर के नज़रों के सामने। अगर परमेश्वर ने हमारे ऊपर छाप डाल दिया है तो और क्या चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना जानो कि मैं अपना ज़िंदगी जो जी रहा हूँ परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ। परमेश्वर जानता है मेरा ज़िंदगी क्या है और जाके मुझे मुंह दिखाना पड़ेगा मरने के बाद किसको? परमेश्वर को। तो इतना याद रखना कि परमेश्वर जो है आपके हृदय को देखता है, आपके अंदर वाले जीवन, आपके गुप्त जीवन को देखता है और वो चाहता है कि वो गुप्त वाला जीवन आपके बाहर के जीवन को प्रभावित करे। प्रभावित करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी ये उद्देश्य का मतलब क्या है मालूम है क्या? कि मैं परमेश्वर का पसंद हूं। आई एम अ चॉइस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का, परमेश्वर ने मुझे पसंद किया। अगर परमेश्वर ने मुझे पसंद किया, नंबर वन मैं कोई नहीं होता हूं, मुझे अपने आप को नापसंद करना है। दूसरे बात, कोई और है ही नहीं जो मुझे नापसंद कर सकता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे पसंद किया, मुझे अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, जैसा भी हो, हम सबको चाहिए किसी और का जीवन। क्या चाहिए हमको? वो देखो ना कितनी पतली है, काश मैं उतनी पतली होती। वो देखो ना कितना पैसा उनके पास, काश मेरे पास इतना पैसा होता है। वो देखो इनके पास ये है, उनके पास वो है। दूसरा का जीवन देख देख के हम अपना जीवन जीते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना जैसे भी आप हो। परमेश्वर ने आपको चुना कैसे? जैसे भी आप हो। आमीन। ठीक है, तो परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे अपना जीवन किसी और से कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर का मतलब क्या है? तुलना। तुलना नहीं करना है कि उसका जीवन मेरे से बेटर है, उसका सारी मेरे से बेटर है, उसका सारी देखो मेरा सारी देखो है। नहीं, मुझे कंपेयर नहीं करना है। एक बार सिस्टर ने बहुत अच्छा कहानी बताया था, वो कहानी मैं फिर से दोहराऊंगा, ध्यान से सुनना कहानी। एक बार एक कौवा बैठा था, कौ कौ कर रहा था कौवा। ओके, कौवा का 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 और सब पत्थर फेंक फेंक के उनको भगा रहे थे। वो डिप्रेशन में चला गया, बोला कि मेरा ज़िंदगी है ही क्या। हाँ, मैं तो एक हूँ काला सा, मैं तो हूँ, आवाज़ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, ये जीवन ही क्यों दिया। तो एक वहाँ पे एक साधु जैसा आदमी बैठा था वहाँ पे, तो उसके पास गया, बोला देखो साधु जी, अगर तुम्हारे पास कोई पावर है, शक्ति है, मुझे बदल के रख दो, मुझे बदल के रख दो। तो वो साधु ने बोला तुमको किसके जैसा बनना है। तो उसने बोला वो जो हंस है ना, हंस, गोरा गोरा सफ़ेद सफ़ेद, वो हंस के जैसा इतना खूबसूरत कि लोग आते हैं उसका फोटोग्राफ लेते हैं, मेरा कोई फोटो भी नहीं लेता है, उसके जैसा बना है मुझे। तो साधु ने बोला ठीक है मैं बना दूंगा, पर एक ही चीज़ है, तुमको जाके पहले हंस से मिलना होगा। तो बोला ठीक है मैं जाके हंस से मिल लूँगा। तो वो गया हंस से मिलने के लिए, हंस को देखा वहाँ पे डिप्रेशन में हंस बैठा था, ऐसा मुंडी नीचे करके निराश बैठा था। तो हंस को बोला, हंस भाई तुम्हारा जीवन कैसा है? बहुत अच्छा होगा ना, क्योंकि तुम तो एकदम गोरे गोरे, एकदम सफ़ेद सफ़ेद, एकदम पानी में तो ऐसे ही तैरते रहते हो जैसे कि अरे पूरा पानी तुम्हारा है, अरे बहुत खूबसूरत लगते हो। बोला क्या ये जीवन भी कुछ जीवन होता है? हंस ने बोला मैं सफ़ेद, कभी कभी रोशनी इतना हो जाता है सूरज का रोशनी कि पानी भी सफ़ेद लगता है, मैं भी सफ़ेद, पानी भी सफ़ेद, सफ़ेद भी कोई रंग होता है, सफ़ेद में क्या है, कुछ भी नहीं है, और पानी में ही ऐसा चलना पड़ता है, ऊपर से हम दिखते कि हम ऐसे आराम से जा रहे हैं, नीचे से पैर मारना पड़ रहा है, थक जाते पैर मारते मारते, ये भी कोई जीवन होता है, शी 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 शी। तो कौवे भैया ने बोला क्या कि चलो एक चीज़ करते, साधु के पास जाते और साधु को बोलते कि तुमको भी बदल के रख दे, पर किसके जैसा बनना है। तो दोनों गए साधु के पास, साधु को बोले हमको बदलना है। तो बोले किसके जैसा कल तुमको बनना है। तो उन्होंने बोला कि हमको कैसा बनना है, पोपट के जैसा, तोता तोता, ओके, तोते के जैसा बनना है। क्यों? उसका रंग कैसा है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन रंग है उसका बीक और ये वो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो बोले ठीक है एक चीज़ है, आपको जाके तोते से मिलना पड़ेगा। तो दोनों हंस और ये कौवा गए और बोले कि चलो तोते को ढूंढते, तोते को। तो गए तोते को ढूंढने के लिए, उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे, देख रहे तोता मिल ही नहीं, पूरे झाड़ियों में देख रहे मिल ही नहीं रहा।
और फिर बाद में फाइनली कुछ हिला वहाँ पे, तो उनको दिखा हाँ तोता है, तो तोते को जाके मिले, अरे तोता भाई तुम्हारा तो जीवन एकदम फर्स्ट क्लास है यार, क्या रंग दिया परमेश्वर ने तुमको, क्या कैसा खूबसूरत बनाया, तुम्हारा जीवन तो ऐशो आराम वाला है। तोते ने बोया ये जीवन भी कुछ जीवन होता है क्या? बोले क्यों? अरे तुम 10 घंटे से ढूंढ रहे थे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुमको दिखा ही नहीं मैं, ऐसा कोई रंग होता है क्या? है ना, मैं भी हरा, ये सब झाड़ वाड़ भी हरा, कोई दिखता है देखा था ही नहीं मेरे पास, तो वो भी डिप्रेशन में। तो ये तीनों बोले चलो ठीक है, वापस से वो साधु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको बदल के रख दो। तीनों गए साधु के पास और बोले कि हमको वो मोर के जैसा बनना है। किसके जैसा? मोर के जैसा बनना है, क्योंकि मोर इतना खूबसूरत है, उनके पंख खुलते हैं, अरे वाह, सब देखने के लिए जाते हैं वगैरह। तो बाद में बोले साधु क्या, पहले जाके मोर से मिलो। तो वो लोग गए मोर से मिलने के लिए और वहाँ पे देखा पिंजरे में बंद है, वो मोर वहाँ पे बैठी है। तो बाद में वो लोग गया, बोला अरे मोर तुम्हारा तो जीवन बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत हो, लाखों लोग तुमको आते हैं देखने के लिए वगैरह। मोर क्या बोले? ये जीवन भी कुछ कोई जीवन होता है क्या? मैं तो पिंजरे में हमेशा कैद रहता हूँ, सबके नजरें मुझ पे रहता है, मैं कहीं पे भी उड़ नहीं सकती हूँ, मैं कहीं पे भी जा नहीं सकता हूँ, सब मुझे ही देख रहे हैं और मुझे मार डालते जब मैं बुजुर्ग हो जाता हूँ, ताकि मेरे पंख उखाड़ उखाड़ के वो लोग अपने घर में रखे। देखो अभी अभी मेरे पति को मार दिया, अभी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मोर भी बोलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारे के सारे डिप्रेस। तो मोर को पूछते अरे फिर किसका जीवन अच्छा है वो तो बताओ। मोर बोलती है तुम्हारा जीवन कौवा, तुम्हारा जीवन सबसे बेस्ट है, कोई तुम्हारा ध्यान भी नहीं देता है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई तुमको पिंजरे में भी नहीं डालता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसका जीवन सबसे अच्छा है? मेरा। दूसरों का नहीं, हमेशा अपना जीवन ही देखो कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपका जीवन बेस्ट है। सब लोग बोलो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया और परमेश्वर ने मुझे चुना। सब लोग बोलो परमेश्वर ने आशीषित किया और परमेश्वर ने मुझे चुना। पूरे दुनिया का परमेश्वर जो सुंदरता में हर पल रहते हैं, उन्होंने मुझे पसंद किया, मतलब कुछ तो खास बात है मुझ में। इस दिन के बाद मैं कभी निराश नहीं होने वाला हूँ, इस दिन के बाद मैं कभी हताश नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का चॉइस हूँ, परमेश्वर का पसंद हूँ। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद, हमें चुनने के लिए, इसके बावजूद कि आप हमारे जीवन को पूरे जानते हो, अंदर बार पूरे अपने जीवन को देखा है पिता, कि हमने कितना गलती किया और हमने कितना कुछ भी किया हमारे जीवन में, फिर भी आपने हमसे प्यार किया और चुना कि आप हमें नियुक्त करें पिता, ताकि अपना महिमा हमारे द्वारा पूरे दुनिया में दिखाए। आपको सारा महिमा और आदर मिलती रहे, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार कबूल कर, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइक, गॉड ब्लेस यू, शलोम।